हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका दोस्त और आपका होस्ट फिर एक नए ट्रैवल वीलॉग लेकर आप लोग के सामने आए हूँ। जैसा आप अभी देख रहे होंगे, ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, सनराइज का। आज मैं जो जा रहा हूँ डेस्टिनेशन पे, वो है श्रीसेलम डैम, और उससे पहले ऑक्टोपस व्यू पॉइंट है। और वापस जाते वक्त मैं जो है डिंडी डैम, जो वाटर रिजर्वर है तेलंगाना में, मैं वहाँ पर रुक कर भी आप लोग को डिंडी रिजर्वर बताऊँगा। सो बने रहिए वीडियो पर। अभी आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा ये चेक पोस्ट है जहाँ से ये अमराबाद टाइगर रिजर्व स्टार्ट होता है। उसके बाद पूरा घाट सेक्शन है, पूरा अपना श्रीसेलम डैम तक। उसी के बीच में ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर्स पहले आपको जो है ऑक्टोपस व्यू पॉइंट आएगा। और आप लोग को बताता चलूँ, ये चेक पोस्ट के बाद यहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता है, तो आप लोग अगर गूगल मैप्स फॉलो कर रहे हैं तो बेटर आप लोग जो है गूगल मैप्स ऑफलाइन डाउनलोड करके रख लीजिए, और ताकि आप लोग जो है वो मैप्स यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ ये जितना भी घाट सेक्शन है, ऑलमोस्ट आप आई बिलीव ऑक्टोपस व्यू पॉइंट पे भी थोड़ा बहुत आपको इंटरनेट आएगा, नहीं तो फिर कम्प्लीटली आप जो श्रीसेलम डैम है वहाँ पहुँचे बाद आपको जो है नेटवर्क का कवरेज आएगा। सो ये आप लोग को बताइए, पूरे नेटवर्क, इनफैक्ट मेरे पास जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन, कोई भी नेटवर्क आपको वहाँ पर नहीं रहेगा। देखिए ये पूरा जो अभी ट्रैफिक जैम आप लोग को दिख रहा है, ये जो है चेक पोस्ट का है। चलिए मैं थोड़ा आप लोग को फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ, कब हम लोग मॉर्निंग स्टार्ट हुए थे। तो बने रहिए वीडियो पे, एंजॉय करिए सिनेमैटिक शॉट, फिर मैं आगे चलकर आप लोग को मिलूंगा। सो स्टे ट्यून ऑन दिस वीडियो एंड एंजॉय द वर्चुअल ट्रैवल। Welcome back viewers, hope you have enjoyed the time lapse। देखेंगे आप बहुत ही लंबी जो है यहाँ पर एक क्यू है, ट्रैफिक जैम है, क्योंकि यहाँ पर एक चेक पोस्ट है। उसके बाद जो है मैं एंटर होऊंगा अमराबाद टाइगर रिजर्व में। सो भी आप देखेंगे ये फर्स्ट बैरिगेट है, इसके बाद एक और एक चेक पोस्ट है। चलिए क्विकली मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, और जैसे ही अपन लोग एंटर करेंगे अमराबाद टाइगर रिजर्व घाट सेक्शन श्रीसेलम का, वहाँ पर जो है मैं आप लोग को बताऊँगा। जैसे आप लोग को बताता चलो, अभी गणेश निमज्जन के दिन अभी चल रहे हैं, तो वो वजह से भी थोड़ी बहुत ट्रैफिक ज़्यादा है। सो बने रहिए वीडियो पर, सिट बैक एंड एन्जॉय। फाइनली व्यूअर्स, अभी एंट्री पॉइंट पार कर रहे हैं। ये आप जैसा अभी सामने देख रहे हैं, ये है अमराबाद टाइगर रिजर्व का एंट्रेंस। ये रात में 8:30 को क्लोज हो जाता है ये घाट सेक्शन, और मॉर्निंग आफ्टर 6 AM ये घाट सेक्शन स्टार्ट होता है। डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक, आपको कितना टाइम लगेगा ये चेक पोस्ट पे पहुंचने। सो उसके हिसाब से जो है ये चेक पोस्ट तो मॉर्निंग 6 AM के बाद जो है स्टार्ट होता है। तो ये कंप्लीट पूरा आपको जो है नल्ला मल्ला फॉरेस्ट है। सो एंजॉय करिए ये पूरा फॉरेस्ट। कहीं पर कुछ अगर रहा तो मैं रोक कर आप लोग को बताऊंगा। सो एंजॉय दिस वर्चुअल ट्रैवल। फाइनली ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स घाट सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अभी आप जो देख रहे हैं, ये ऊपर से ये देखिए आप, ऐसा दिखता है ये घाट सेक्शन। तो यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। देखिए पूरे जितने माउंटेन्स इसके सामने हैं, अतराफ में हैं, पूरे कंप्लीटली ग्रीन है। मैं एक्चुअली एक ऊपर जो है बॉर्डर रेलिंग थी, तो वहाँ से मैं चढ़ के आपको बता रहा हूँ।
राइट व्यूअर्स, जैसा आप लोग अभी देख रहे होंगे, दोनों ही तरफ मेरे जो है पूरे ग्रीनरी है, जंगल है पूरा ये। यहाँ पर आपको और रोकने का कोई स्पॉट नहीं है, और यहाँ पर बोर्ड्स भी लगे हुए हैं कि यहाँ पे जो है कोई भी एनिमल्स को फीड नहीं कर सकते आप, नहीं तो 10,000 की पेनल्टी है। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आप लोग प्लास्टिक बॉटल्स या साथ में जो भी आपके रैपर्स लाते हैं प्लास्टिक के, यहाँ पर मत फेंकिए, बिकॉज़ पूरा एनवायरनमेंट इससे ख़राब होता है। बेटर यू कैरी योर ओन जो भी प्लास्टिक के आपके बॉटल्स वगैरह है, वो जहाँ पर भी ट्रैश बिन दिखा वहाँ पर डालिए। We have reached to Octopus Viewpoint. So आप लोग को बता तो चलो, यहाँ पर कार के जो है 50 rupees चार्ज है, और वहीकल के जो है कार के जो है 50 rupees चार्ज है। अगर आपके पास टू व्हीलर है तो 30 rupees उसके चार्जेस है, और पर पर्सन यहाँ पर जो है 50 rupees चार्ज है। और मैं लास्ट टाइम जब आया था Octopus Viewpoint, पूरी ये रोड ख़राब थी, लेकिन अभी जो है ये पूरी रोड फिर से जो है बनाए हैं। ये पूरी एक्चुअली लाल मिट्टी की रोड है, सो आप कार या आपकी टू व्हीलर यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। अभी रोड बहुत ही साफ बना दिए हैं, जैसा आप अभी देख रहे हैं। चलिए क्विकली थोड़ा आगे जाऊँगा मैं, पार्किंग करे बाद आप लोग को जो है Octopus Viewpoint के बारे में बताऊँगा। सो स्टे ट्यून ऑन दिस वीडियो एंड होप यू आर एंजॉयिंग दी वर्चुअल ट्रैवल। अगर मेरा वीडियो आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं, पसंद आया है आपको, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल अगर पहली बार आए हैं तो, एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और एक छोटा कमेंट करिए। इट मीन्स अ लॉट टू मी, इट विल नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, बट इट मीन्स अ लॉट टू मी। ये देखिए, ये पूरी एक वन वे रोड है, सो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से जो है होते हुए आप लोग जो है ड्राइव करते हुए आप पहुंच सकते हैं। आई बिलीव इट्स वन एंड हाफ किलोमीटर का है जो मेन रोड से जो है Octopus Viewpoint की पार्किंग। ओके, सो अगेन आप लोग को बता तो चलो, यहाँ पर प्लास्टिक वगैरह मत फेंकिए, इन्वायरमेंट इससे ख़राब होता है। सो प्लीज़ अपने साथ जो है जो भी आपका कचरा है, रैपर्स है, अपने साथ रखिए, और जहाँ पर भी ट्रैश बिन दिखा वहीं पर डालिए। ऑलराइट, चलिए क्विकली मैं पार्क कर मिलता हूँ आप लोग से। वेलकम बैक। फिर आप जैसा देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, तो मैं आया हूँ Octopus Viewpoint। ये जो है कंप्लीट व्यू पॉइंट है, आप देख रहे होंगे अभी, जैसा कि अभी पूरा मानसून सीज़न चल रहा है तेलंगाना में, तो आपको अतराफ में पूरा Octopus Viewpoint पूरा ग्रीन दिखेगा। देखिए, ये कृष्णा रिवर का जो अपना सरपास वाटर जो तेलंगाना अपने श्रीसलम डैम से जो होता है, वो यहाँ से बाईपास होकर जाता है। देखिए, वन ऑफ द ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट। एंड इनफैक्ट गाइस, ये अपने इंडिया में है, और इंडिया में भी ये तेलंगाना में है। देखिए आप, कंप्लीटली ये पूरा व्यू पॉइंट आपको ऐसा दिखेगा कि जैसा आप कोई जो है कोई इंटरनेशनल कंट्री में आए हैं, वहाँ का व्यू देखेगा। फिर ये मैं आप लोग को अभी राइट हैंड साइड पर भी बताऊँगा, दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक। चलिए एंजॉय करिए सिनेमैटिक शॉट्स, फिर मैं आगे चलकर आप लोग को मिलूंगा। सो स्टे ट्यून ऑन दिस वीडियो।
Hope you have enjoyed the cinematic shots of Octopus Viewpoint. और मैं साथ ही साथ थोड़ा टाइम लैप्स भी लिया था. वहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही थी, सो ड्रोन फ्लाई करने का कोई ऑप्शन नहीं था. चलिए अब ये हम लोग यहाँ से निकल गए हैं ऑक्टोपस व्यू पॉइंट से. अब यहाँ से स्ट्रेट सिलम डैम देखेंगे आप. श्री सिलम डैम यहाँ से 17 किलोमीटर्स है. सो बने रहिए वीडियो पर, डायरेक्टली मैं डैम के पास जाकर आप लोग से मिलूँगा. सो स्टे ट्यून ऑन दिस वीडियो. फाइनली व्यूअर्स, मैं पहुंचा हूं श्री सिलम डैम. मैं समझ रहा था कुछ डोर्स वगैरह खुले हैं, बट जैसा आप अभी देख रहे होंगे, अभी श्री सिलम डैम के कोई भी डोर खुला नहीं है. बट अतराफ के जो इतने भी माउंटेन्स हैं आप देखेंगे. ये जो मैं अभी जूम कर रहा हूं, ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. और ये जो है 12 गेट्स है श्री सिलम के, जो अभी मैं जूम कर रहा हूँ. ये कोई एक गेट से आप देख रहे होंगे थोड़ा पानी पास हो रहा है. यूजुअली जब भी ये गेट्स खोलते हैं, विद इन वन और टू डेज़ में आप अगर डैम विज़िट करें तो आप एक्चुअली विटनेस कर सकते जो पानी दरवाज़ों से जाता है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है. अब देखेंगे आप अतराफ में मानसून सीज़न होने की वजह से आपको पूरा ग्रीनरी है. ये देखिए खाली एक ही डोर में से थोड़ा पानी जो है नीचे बह रहा है नीचे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो बहुत पानी है जो ओवरफ्लो होके मैं आगे जाके जो है अपने गांव के पास से होते हुए वो जो है ओवरफ्लो जाता है पानी का. तो मैं आगे अभी नहीं जा रहा हूँ. सामने का जो माउंटेन देख रहे हैं आप, अभी मैं वहाँ पर जाने वाला नहीं हूँ. सो मैं यहीं से जो है पलटने वाला हूँ. व्यूअर्स, मैं पहुंचा हूं अभी डिंडी वाटर रिजर्वर. ये हैदराबाद से जो है 105 किलोमीटर्स पर है. जैसा अभी अभी आप देख रहे होंगे जो पानी बह रहा है, जैसे ही डिंडी वाटर रिजर्वर फुल होता है तो ये पानी जो है ओवरफ्लो होके ये ऐसा बहता है. बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है. बस आज का जो वीलॉग है बस यहीं पर मैं ख़त्म करने वाला हूँ. Hope you have enjoyed this video. Please do subscribe my channel, like this video and share with your family and friends. Link up your next video mein. You have a great day ahead.